Assalamu alaikum. Dear students, I am Feroz Shah and we are going to discuss the online QCA test Saturday, November 2020 and let us start the test. इस टेस्ट में पहला क्वेश्चन जो है पहला क्वेश्चन है कि अ स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड विद वेलोसिटी वी एट हाइट एट हाफ ऑफ द हाइट इट्स वेलोसिटी विल बी. क्वेश्चन ये है कि फर्ज करें हमारे पास एक सरफेस से हमने स्टोन अपवर्ड फेंका है, इसको वेलोसिटी वी से फेंका. अगर ये फर्ज करो यहाँ तक पहुँचता है तो बिल्कुल सेंटर पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द स्टोन इन द सेंटर. सेंटर ऐसा लोकेशन है कि अपवर्ड से बी सेंटर तक h बाई टू होगा और ज़मीन से भी ये h बाई टू ही होगा. ये बात इसलिए बता दी क्योंकि आप इस वेलोसिटी की वैल्यू फ्रॉम टॉप टू सेंटर भी मालूम कर सकते हो, फ्रॉम बॉटम टू सेंटर भी मालूम कर सकते हो. लेट अस कंसिडर द अपवर्ड मोशन. फ्रॉम अपवर्ड मोशन ये है कि अगर ये पत्थर ऊपर से नीचे आ रहा है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो 0 मीटर पर सेकेंड है. इसने जो टोटल हाइट कवर किया है वो h है. यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो v है. दरमियान में वेलोसिटी क्या होगी वो मालूम करना है. तो हम जानते हैं कि एज वी नाउ दैट 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर. 2 की जगह हम 2 लिख सकते हैं, a की जगह g लिख सकते हैं, s की जगह हम लिख सकते हैं h बाई टू, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये आएगा तो h बाई टू फासला कवर करेगा. और वी एफ तो हम मालूम कर रहे हैं और वी आई ज़ीरो है. दिस इम्प्लाइज दैट वी एफ स्क्वेयर इज इक्वल टू 2gh डिवाइड बाई 2. अगर हम इसका रूट ले लें तो फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू हमें मिल जाएगी अंडर रूट 2gh डिवाइड बाई 2. ये फार्मूला या ये आंसर आया है, लेकिन इस आंसर में अंडर रूट टू जी एच वी के बराबर है. अगर अंडर रूट टू जी एच वी के बराबर आता है तो देयर फॉर द करेक्ट ऑप्शन इज वी एफ इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई अंडर रूट टू. वी डिवाइड बाई अंडर रूट टू, ऑप्शन डी ठीक है. इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में सिर्फ एक चीज रह गई, वो ये है कि हाउ वी इज इक्वल टू 2gh अंडर रूट. तो भाई वो दोबारा प्रूफ कर रहा हूँ. देखिएगा, एज वी नो दैट 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर. जब बॉडी ऊपर से फुल नीचे पहुंच जाए तो 2 की जगह 2, a की जगह g, और फुल मोशन के लिए हम s की जगह h लिख सकते हैं. इक्वल की जगह इक्वल. यहाँ फाइनल वेलोसिटी को v कहा गया है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है. देयर फॉर 2gh इज इक्वल टू वी स्क्वेयर टेकिंग रूट ऑन बोथ हैंड साइड्स, देयर फॉर v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh. इस लॉजिक से v 2gh अंडर रूट के बराबर है. इस कैलकुलेशन से वी एफ 2gh अंडर रूट बाई अंडर रूट 2 आता है. अगर 2gh अंडर रूट को हम v से रिप्लेस करें, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 इन द टेस्ट. इसमें है कि एक पत्थर को फेंका गया है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, 3 सेकंड में नीचे पहुंचा है, हाइट ऑफ द टावर क्या होगा. तो इसका शॉर्ट फार्मूला है हाफ जी टी स्क्वेयर, हाफ 9.83 स्क्वेयर. द करेक्ट आंसर इज 4.1 मीटर एंड हिंस द करेक्ट ऑप्शन इज सी. क्वेश्चन नंबर 3 इन द टेस्ट. ये कह रहे हैं कि एक बॉल है वो 30 सेकंड में एक हाइट h1 को कवर कर चुका है और फिर वो 2t में एक दूसरा हाइट h2 कवर कर चुका है, दोनों का रेशो क्या होगा. तो हम रेशो ले रहे हैं हाइट 1 एंड हाइट 2 का. रेशो है तो रेशो. देखो, हाइट का इक्वेशन हमारे सामने है हाफ जी टी स्क्वेयर. h1 है तो t1 स्क्वेयर और ये हाफ जी t2 स्क्वेयर. हाफ की जगह हाफ, जी की जगह जी, t1 t के बराबर है. नीचे हाफ की जगह हाफ, जी की जगह जी और t2 2t के बराबर है. लिहाजा द रेशो ऑफ हाइट्स इज इक्वल टू हाफ हाफ कैंसिल, जी जी कैंसिल, t स्क्वेयर कैंसिल. इट इज इक्वल टू 1/4 और 0.25 एंड हिंस द करेक्ट ऑप्शन इज 0.25. मीन ऑप्शन डी ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इन द टेस्ट. भाई टेस्ट में क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, एक बॉल प्रोजेक्ट हुआ है अपवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड नियरली इट. कहते हैं कि बॉल है, अगर इस बॉल को आप 100 मीटर पर सेकेंड से फेंकोगे तो ये ऊपर जाकर वापस गिरेगा, तो बताओ कि टोटल टाइम क्या लेगा. आप जानते हो कि टोटल टाइम मीन के नीचे से ऊपर जाने का टाइम प्लस ऊपर से नीचे आने का टाइम,
तो एक साइड का टाइम मालूम करो, फिर उसको डबल करें। नीचे से ऊपर जाने का मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी 100 है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, ए जो है वो माइनस जी है। आप लिख सकते हो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ 0 है, वी आई की वैल्यू 100 है और माइनस जी क्योंकि अपवर्ड मोशन है तो माइनस जी इंटू टी। इसको ऐसा करें कि माइनस 100 इज इक्वल टू माइनस जी इंटू टी। जी को आप अप्रॉक्सीमेटली, ये माइनस माइनस कैंसिल, जी को आप अप्रॉक्सीमेटली 10 कंसिडर करें तो 10 टी, ये कैंसिल इट मीन टाइम 10 सेकेंड्स। तो नीचे से ऊपर 10 सेकेंड लगेंगे, ऊपर से नीचे 10 सेकेंड लगेंगे। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 20 सेकेंड एंड हिन्स द करेक्ट ऑप्शन इज डी। ऑप्शन डी करेक्ट है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 इन द टेस्ट, ये क्या है? एक बुलेट है, हॉरिजेंटली फायर्ड किया गया है एक टारगेटेड डिस्टेंस पर। आप जानते हो कि बुलेट इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अगर बुलेट प्रोजेक्टाइल मोशन है तो इसमें एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस 0 और एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस जी यानी 9.8 होना चाहिए। एंड हिन्स द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन सी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 इन द टेस्ट सेज के वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट के फ्रॉम हाई फ्रॉम लेंथ एक्स टू वाई। भाई इनिशियल लेंथ जो है वो वाई है, फ्रॉम लेंथ एक्स टू वाई है या फ्रॉम वाई टू एक्स है? फ्रॉम लेंथ एक्स टू वाई, हाँ। इनिशियल लेंथ जो है वो एक्स है, फाइनल लेंथ जो है वो वाई है। आप वर्क मालूम करें तो भाई वर्क होता है हाफ के डेल्टा एल स्क्वेयर। इट मीन हाफ की जगह हाफ, के की जगह के, और डेल्टा एल इज वाई माइनस एक्स स्क्वेयर। यह ऑप्शन ठीक है एंड हिंस ऑप्शन बी बेहतर होगा। लेकिन याद रखें कि ये वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर गलत है, ये वाई माइनस एक्स होल स्क्वेयर होना चाहिए। ऑप्शन बी तब ठीक होगा जब ये y माइनस एक्स होल स्क्वायर होगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ना हो। बाकी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर 7, एन इंजन डेवलप्स 10 किलोवाट आर पावर। अगर एक इंजन का पावर 10 किलोवाट है यानी 10,000 वाट है, अगर उसको 40 मीटर के हाइट तक एक मास 200 किलोग्राम लेके जाना है तो वो टाइम कितना लेगा? तो पावर का इक्वेशन है एम जी एच बाई टी और t इज इक्वल टू एम जी एच बाई पी। हिंस t इज इक्वल टू 210 एंड 40 डिवाइड बाई 10,000। 0 0 कैंसिल 0 0 कैंसिल 0 0 कैंसिल 0 0 कैंसिल। इट मीन द करेक्ट आंसर इज 8 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8 इन द टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 8 इन द टेस्ट सेज के फोर्स कॉन्स्टेंट है वेटलेस स्प्रिंग का 16 है। अगर 1 kg की बॉडी उससे सस्पेंड की जाए, 5 सेंटीमीटर का एम्पलीट्यूड आए तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? क्वेश्चन इस तरह है कि स्प्रिंग कांस्टेंट 16 है, अगर आपने उसके साथ बॉडी ऑफ 1 किलोग्राम लगा दी है और उसमें जो एम्पलीट्यूड आया है वो 5 सेंटीमीटर का आया है, 5 सेंटीमीटर मीन 0.05 मीटर का आया है, तो बताओ कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? आप जानते हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी के बराबर है और टोटल एनर्जी मीन हाफ के एक्स नॉट स्क्वेयर। दिस इंप्लाइज दैट 1/2 एंड दिस इज 16 एंड इट इज 0.05 का स्क्वेयर। आप कैलकुलेट करके देख लें, इसका जो करेक्ट आंसर आपको मिलेगा दैट विल बी 0.02 जूल। बेशक आप सॉल्व करें 0.02 जूल, विच वी कैन राइट लाइक दिस 2 × 10⁻²⁻² जूल एंड हिंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 इन द टेस्ट, ये क्या है? लेंथ ऑफ सेकेंड हैंड ऑफ ए वॉच इज 1 cm, द वेलोसिटी वेक्टर। अच्छा क्वेश्चन ये है कि अगर रेडियस आपके पास 1 cm हो, 1 cm मीन 0.01 मीटर लिखते, लेकिन सेंटीमीटर क्योंकि इन्होंने ऑप्शन सेंटीमीटर में मांगा है, तो इसकी वेलोसिटी की वैल्यू सेंटीमीटर पर सेकेंड क्या होगी? आप जानते हो v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। v इज इक्वल टू आर ओमेगा की जगह थीटा बाई टी लिख सकता हूँ। v इज इक्वल टू आर 1 cm है, थीटा अगर 2π होगा, अगर 2π थीटा होगा
तो सेकेंड्स का हैंड कितना टाइम लेगा, 60 सेकेंड. 60 सेकेंड में 2 पाई कवर होता है. तो अगर थीटा 2 पाई तो टाइम 60 सेकेंड होगा. हिंस द आंसर विल बी 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2 पाई डिवाइड बाय 60 एंड द यूनिट इज सेंटीमीटर पर सेकेंड. अगर ऑप्शन में ये है तो ठीक है, नहीं तो फिर 2 एंड 60 कैंसिल करें, पाई बाय 30 होगा. फिलहाल ऑप्शन में यही वैल्यू है. हिंस द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज बी. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन 10. क्वेश्चन नंबर 10 इन द टेस्ट सेज के एक बॉडी है स्टार्ट्स टू रोल ऑन इंक्लाइंड प्लेन. भाई इंक्लाइंड प्लेन पर जब बॉडी रोल करती है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी दोनों एनर्जीज में कन्वर्ट होती है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज ट्रांसलेशनल. हिंस द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन इज बी. दैट इज पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल. क्वेश्चन नंबर 11 इन द टेस्ट ये क्या है कि दो डिस्क हैं ए और बी. ए और बी दो डिस्क हैं. एक डिस्क ए है और एक डिस्क बी है. इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में आप क्या ठीक समझते हो जबकि इनके मासेज इक्वल हैं. और दूसरा इन्फॉर्मेशन ये है कि डेंसिटी ऑफ ए इज लेस देन डेंसिटी ऑफ बी. बस मैं आपको क्लू ज़रूर दे सकता हूँ, वेरीफाई नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ टाइम. क्लू ये है जनाब, इसका शॉर्ट स्टेप ये है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी. मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी. लेकिन ये रिलेशन आप तब इस्तेमाल कर सकते हो जब बॉडीज के मासेस भी सेम हो और उनका शेप भी सेम हो. शेप भी सेम हो और मासेस भी सेम हो. तो यहाँ डिस्क है दोनों तो शेप सेम, मासेस इक्वली उन्होंने दिया है. सो वी कैन यूज दिस रिलेशन. दिस रिलेशन कैन बी यूज्ड ओनली इफ मासेस ऑफ द बॉडीज आर सेम एंड शेप ऑफ द बॉडीज आर सेम. बोथ आर सेम बिकॉज बोथ आर डिक्लेयर्ड एज डिस्क एंड स्टेटमेंट इंप्लाइज दैट देयर मासेस आर ऑल्सो इक्वल. सो जिसकी डेंसिटी कम है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है. हिंस द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन इज दैट डिस्क ए लार्ज. डिस्क ए का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, वो लार्जर होगा. हिंस द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन इज डिस्क ए का लार्जर, ये ऑप्शन बी होगा. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. व्हाट इट मीन. क्वेश्चन नंबर 12 सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व्ड व्हेन द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज जीरो. भाई आप इक्वेशन पढ़ चुके हो, टॉर्क इज डेल्टा एल बाई टी. इट मीन व्हेन टॉर्क इज जीरो डेल्टा एल मस्ट बी जीरो. एंड इफ डेल्टा एल इज जीरो दिस इंप्लाइज दैट एल मस्ट बी कॉन्स्टेंट. सो विच क्वांटिटी मस्ट बी कॉन्स्टेंट इन द एबसेंस ऑफ टॉर्क, इट विल बी एंगुलर मोमेंटम. ऑप्शन बी ठीक है. क्वेश्चन नंबर 13. द इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस इंक्रीजेज. इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए टेम्परेचर को इंक्रीज करना चाहिए. टेम्परेचर को इंक्रीज करने के दो रिक्वायरमेंट्स हैं. पहला ये कि कंप्रेशन हो और दूसरा ये कि जो हीट पैदा हो वो सिस्टम से बाहर ना जा सके. तो कंप्रेशन लाजमी है, एक्सपेंशन में तो हीट पैदा ही नहीं होता. कंप्रेशन, अब हीट बाहर ना जा सके, इट मीन द प्रोसेस मस्ट बी एडियाबेटिक. सो द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज एडियाबेटिक कंट्रैक्शन और कंप्रेशन. हिंस ऑप्शन बी ठीक है. एडियाबेटिक कंप्रेशन कॉज इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी. क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है. क्वेश्चन नंबर 14 सेज दैट द एरिया इनसाइड अ क्लोज्ड कर्व ऑफ पी एंड वी. अगर एक तरफ वॉल्यूम हो, एक तरफ प्रेशर हो और हमें कोई कर्व मिल जाए तो इस कर्व के नीचे जो एरिया होता है ये कौन सी क्वांटिटी शो करता है. आप सब ने पढ़ा है कि एरिया जिस क्वांटिटी को शो करता है उसका पता लगाने के लिए तरीका है कि यूनिट अलोंग एक्स एक्सिस मल्टीप्लाई बाय यूनिट अलोंग वाई एक्सिस. ये दोनों हम मल्टीप्लाई करते हैं. सो यूनिट अलोंग एक्स एक्सिस वॉल्यूम है तो क्यूब, एंड यूनिट अलोंग वाई एक्सिस प्रेशर है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर. मीटर स्क्वेयर मीटर क्यूब को कैंसिल कर देगा, न्यूटन इंटू मीटर आएगा. न्यूटन इंटू मीटर इज इक्वल टू जॉल विच इज द यूनिट ऑफ वर्क. हिंस द करेक्ट ऑप्शन इन द गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, ये वर्क को रिप्रेजेंट करेगा.
नेक्स्ट क्वेश्चन है जनाब 15. क्वेश्चन नंबर 15, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वैक्यूम. वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं करता, सो द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वैक्यूम इज जीरो. क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन साउंड इज प्रोपागेटेड फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इन द प्रोसेस ऑफ रिफ्रैक्शन फ्रीक्वेंसी कॉन्स्टेंट होता है. सो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने में जो कॉन्स्टेंट फैक्टर है दैट इज फ्रीक्वेंसी. जो वेरिएबल है वो वेवलेंथ है और स्पीड है. अगर रेयर से डेंसर में जाए तो स्पीड इंक्रीजेस, और अगर डेंसर से रेयर में आए तो स्पीड डिक्रीजेस. नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 4 एटमॉस्फेयर एंड 1 एटमॉस्फेयर. बाई वेलोसिटी के रेशियोज क्या होंगे 4 एटमॉस्फेयर और 1 एटमॉस्फेयर पर? तो आपने पढ़ा है कि द स्पीड ऑफ साउंड हैज नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सॉरी प्रेशर. प्रेशर का स्पीड पर कोई असर नहीं होता. इट मीन के सेम वैल्यूज होंगे दोनों के. अगर दोनों में प्रेशर का डिफरेंस है सेम रेशियो मीन 1:1, अप्रोक्सीमेटली द रेशियो विल बी 1:1. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, एक चार्ज पार्टिकल है वो एक मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, तो कौन से क्वांटिटी में चेंज आएगा? भाई चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में फेंका जाता है तो उस पर जो फोर्स लगता है वो फोर्स परपेंडिकुलर होता है, और परपेंडिकुलर फोर्स क्या करता है? इट ब्रिंग चेंज इन डायरेक्शन, और जब डायरेक्शन चेंज हो जाए तो वेक्टर सारे चेंज हो जाते हैं लेकिन स्केलर सेम रहता है. अब ऑप्शन में देखो, वेलोसिटी वेक्टर है तो इट मस्ट बी चेंज, एक्सेलरेशन वेक्टर है तो चेंज, डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल रिमेन्स अनचेंज गलत है. लिहाजा द करेक्ट आंसर इज स्पीड विल बी अनचेंज, क्योंकि ये फोर्स मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर है जो डायरेक्शन में चेंज मस्ट कास्ट करेगा, लेकिन स्पीड में तो डायरेक्शन नहीं होता. दैट्स व्हाई मेरे भाई बात ये हुई कि स्पीड विल बी अनचेंज एंड स्पीड विल रिमेन्स कॉन्स्टेंट, स्पीड ऑफ द पार्टिकल विल बी कॉन्स्टेंट. क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 सेज व्हाट? इट सेज दो पैरल बीम्स ऑफ पॉजिट्रॉन्स हैं मूविंग इन सेम डायरेक्शन. ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस हो चुका है कई टेस्ट में. अगर कंडक्टर्स हों और कंडक्टर्स में सेम डायरेक्शन में करंट जाए तो फिर रिजल्ट अट्रैक्शन होता है, लेकिन अगर चार्जेस जो हैं वो विदाउट कंडक्टर फ्री मोशन करें सेम डायरेक्शन में तो फिर इलेक्ट्रिकल इफेक्ट इज डोमिनेंट ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट, हिंस द आंसर इज रिपल्शन. एक बार फिर बताता हूँ कि इन कंडक्टर ड्यूरिंग करंट मैग्नेटिक इफेक्ट इज डोमिनेंट ऑन इलेक्ट्रिक इफेक्ट. मैग्नेटिक इफेक्ट इज डोमिनेंट ऑन इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड फ्री मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इज डोमिनेंट बिकॉज इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज डोमिनेंट. चूंकि फ्री मोशन लिया है देयरफॉर वी विल प्रेफर रिपल्शन एंड हिंस द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन विल बी रिपेल ईच अदर. ऑप्शन ए ठीक है. क्वेश्चन है जनाब 20. क्वेश्चन नंबर 20 सेज के अ कॉइल है इंड्यूस्ड ईएमएफ इंक्रीजेस. बाई फैराडेज लॉ है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स. इट मीन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 सेज के एक ईएमएफ, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ है सेल्फ इंडक्शन में. अगर ईएमएफ की वैल्यू 5 हो, अगर चेंज इन करंट 1 हो, अगर टाइम की वैल्यू 1 मिली सेकेंड हो, 1 मिली सेकेंड 10^-3 सेकेंड हो, तो बताओ सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा? इक्वेशन आप जानते हैं ईएमएफ एल डेल्टा आई बाय डेल्टा टी है, तो एल इज इक्वल टू ईएमएफ डेल्टा टी बाय डेल्टा आई. ये 5 है, ये 10^-3 है और ये 1 है. द करेक्ट आंसर इज 5, 10^-3 मिली और यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज हेनरी. हेंस द करेक्ट आंसर इज 5 मिली हेनरी एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 21-22. क्वेश्चन नंबर 22, द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज लेमिनेटेड. लेमिनेटेड मीन इन पार्ट्स. तो जब भी हम कोर को लेमिनेट करते हैं तो एक्चुअली वी आर रिड्यूसिंग ई दी करंट्स, हेंस लेमिनेशन ऑफ ट्रांसफार्मर रिड्यूस ई दी करंट्स. याद रख के लेमिनेशन का हिस्टेरेसिस पे कोई असर नहीं होता. 23 जो है, क्वेश्चन नंबर 23,
किस इनमें से कौन सा प्रॉपर्टी फोटॉन में नहीं हो सकता? तो फोटॉन कभी रेस्ट में नहीं होता, इसका रेस्ट मास नहीं है। रेस्ट मास ऑफ फोटॉन इज इम्पॉसिबल। ऑप्शन ए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24। फॉर अ गिवन स्पीड विच ऑफ द फॉलोइंग हैज शॉर्टेस्ट डी ब्रॉगली वेवलेंथ? तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज इक्वल टू एच बाई एम वी। इट मीन इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो जिसका मास ज्यादा उसका वेवलेंथ शॉर्टेस्ट। अल्फा का मास ज्यादा है, देयर फॉर द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अल्फा पार्टिकल एंड हिंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 सेज के हाइड्रोजन एटम है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो किस एनर्जी में इंक्रीज किस में डिक्रीज आएगा? जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से दूर होता है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज वाइल काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेज बिकॉज ऑफ इट्स स्पीड। हिंस द करेक्ट आंसर इज पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज एंड काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेज। एंड व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 इंप्लाइज इसमें है कि क्वेश्चन नंबर 26 आई थिंक इट इज क्वेश्चन नंबर 36 जो मैंने सॉल्व किया वो 35 था। द क्वेश्चन 35 आई हैड सॉल्व। तो अब जो बारी है वो 36 की है। ये 35 नंबर क्वेश्चन था, अब मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 36 की। सो क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास है कि यूरेनियम 238 है, इसने एक न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब किया फिर दो बार इलेक्ट्रॉन इमिट किया, तो बताओ नेट प्रोडक्ट क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 36 इसमें है कि हमारे पास है कि ये यूरेनियम था 92 238, ये एक न्यूट्रॉन लेगा, तो आफ्टर गेटिंग वन न्यूट्रॉन यूरेनियम का एटॉमिक नंबर नहीं बदलता लेकिन इसका एटॉमिक मास 239 बन जाएगा। फिर कहते हैं ये एक इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा, इलेक्ट्रॉन एटॉमिक मास में फर्क नहीं करता लेकिन एटॉमिक नंबर बढ़ाता है, देयरफॉर ये 93 बन जाएगा और ये 239 रहेगा जो भी हो। फिर एक इलेक्ट्रॉन ये कह रहे हैं इमिट किया तो ये 94 बन जाएगा, ये 239 रहेगा। ये ऑप्शन सही है। पासन सीरीज लाइज इन इंफ्रारेड। पासन सीरीज जो है वो इंफ्रारेड रीजन में होता है और क्वेश्चन नंबर 37 का ये आंसर सही है। पासन सीरीज इन इंफ्रारेड रीजन। क्वेश्चन नंबर 38 इन द टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 38 सेज व्हाट? क्वेश्चन नंबर 38 सेज के स्किन बर्न्स एंड लॉस ऑफ हेयर बिकॉज ऑफ रेडिएशन, इट इज अ सोमेटिक इफेक्ट, क्योंकि जो ऑन द स्पॉट होता है। तो 38 में आता है मेरे भाई सोमेटिक इफेक्ट। और क्वेश्चन नंबर 39 में क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 39 है कि हाफ ए रेक्टिफायर है बींग यूज टू रेक्टिफाई एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज। रेक्टिफिकेशन से फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अगर 50 हर्ट्ज रेक्टिफिकेशन से पहले भी फ्रीक्वेंसी है तो इट मीन के 50 हर्ट्ज ही रेक्टिफिकेशन के बाद भी होगा। हिंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40। द डायोड इज यूज एज रेक्टिफायर। याद रखिए डायोड यानी PN जंक्शन को हम यूज करते हैं एज अ रेक्टिफायर। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।